हेलो बेबी प्लीज बचा, मनु प्लीज सेव मी, बचा। सुन, अगर तू अपने पति को जिंदा देखना चाहती है ना, तो गुरुद्वारे के पीछे वाली गली के कोने वाली मोड़ पे 25 लाख रुपया लेके आ जाओ, वरना तेरे पति की जान गई समझो। रॉन्ग नंबर बोल के फोन काट दिया। दोबारा फोन लगा। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तुम एक काम करो, मेरे पति के ना फादर को कॉल करो। हाँ, उनके पास बहुत पैसा है, वो तुम्हें जितने मांगोगे सारे पैसे दे देंगे। आखिर वो इकलौता बेटा है ना। बहुत तेज लड़की है, चमड़ी खिंच जाएगी लेकिन दमड़ी नहीं निकलेगी। बेबी बेबी मुझे बहुत डर लग रहा, गर्दन पे चाकू रख दिया। बेबी प्लीज मनु मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। कुनाल, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मानुषी बीबी तुम्हें मरने के लिए छोड़ देगी? हाँ, पर मैं भी क्या कर सकती हूँ ना। तुम जानते हो कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं तो बहुत गरीब लड़की हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकती हूँ बीबी? भाइयों, समझने की कोशिश करो। देखो, मेरी बीबी के पास कैश नहीं है, लेकिन हाँ कुछ गहने हैं उसके पास। ए छोरी सुन, अगर तेरे पति का सर धड़ से लगा देखना चाहती है ना, तो तू अपने गहने लेके आ जाओ। और हाँ, उस गहने की कीमत 25 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, वरना तेरे पति का सर अलग और बॉडी अलग। बेबी प्लीज, मेरे गहने, कुरान मेरे गहने। ओह गॉड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बेस है यार तेरी आवाज में, मान गया। क्या ऑडिशन दिया भाई ने, क्या ऑडिशन दिया। हाँ सच, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिखाऊंगा बाद में। वैसे भाई जी, मन्ने टीवी शो में काम मिल जाएगा ना? टीवी शो? अरे तन्ने तो फिल्म में काम मिलेगा, मेरे हीरो फिल्म में। लेकिन हाँ, मेरे 2 सीन और करने के बाद। बोल, रेडी है? हाँ, तो फिर तो बन गई बात। अरे भाई, तालियां तालियां, हीरो हीरो। ऐसे मुंह सड़ा के सोएगा तो इसने नींद ना आ गई, और कल ऑफिस भी जाना है इसने। आज इतनी जल्दी चली गई किचन में, देर रात का वेट भी नहीं हुआ इससे। मन्ने ढूंढ रहा था। मैं क्यों तुम्हें ढूंढने लगा? वो ठंड ज्यादा लग रही थी तो एक्स्ट्रा ब्लैंकेट निकालने के लिए जा रहा था, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट चाहिए। कॉपी कर रही हो? तुम मेरी कॉपी कर रही हो? तुम मेरी नकल कर रही हो? तुम मेरी नकल कर रही हो? एक्सक्यूज मी। तुम
तुम? तुम मेरा पीछा कर रही हो? हम चोर पुलिस का खेल थोड़ी ना खेल रहे हैं जो तेरा पीछा करूंगी। मैं तो दूसरे वाले ब्लैंकेट का पीछा कर रही थी। मेरा मतलब यो है कि तू साइड हट, मैं निकाल कर देती हूँ। मैं खुद ले सकता हूँ। एक बात पूछू? बोल। तुम मुझे जल्दी सुलाना चाहती हो? हाँ। क्यों? फिर जल्दी सोएगा तो थोड़ी देर में गहरी नींद में चला जाएगा और फिर सुबह एकदम फ्रेश उठेगा, फिर पूरे दिन सुपरमैन की तरह चार्ज और तंदुरुस्त रहेगा। और मेरे सो जाने के बाद तुम क्या करोगी? ये बताऊं राम ने कैसे बताऊं कि यो सोएगा तभी मैं पढ़ पाऊंगी? जो बात इसने अभी ना बता सकती, नहीं तो यो मन ने कोई दूसरा काम ही ना करने देगा। कहो। मैं ना ढोल मंजीरे बजाकर डांस करूंगी और गाना गाऊंगी। तू सो जाएगा तो मैं भी सो जाऊंगी ना, और क्या करूंगी? कैसे सवाल पूछता है तू? है अच्छा सुन, मुंह देख करके सुन। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है मेरी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। सोने जा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत कर। उस दिन की तरह सोएगा, अपनी जगह तकिए लगाकर भार खिसकने वाला सोना। जी नहीं। पता है? क्या पता है? तू ना बस दिखने में 6 फुट 2 इंच है, बाकी ना तू मुंह में गुस्सा भर के गुब्बारे की तरह 6 साल के बच्चे की तरह रूठ जाता है। जाऊं सोने? माता रानी, ये 6 साल का बच्चा मेरी नसीब में देना था। इसका मूड ठीक करने का एक ही तरीका है। अरे मीत 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 मीत, मुझे कुछ कुछ होती, मुझे कुछ कुछ होती, मीत नहीं, मीत प्लीज मीत प्लीज, मुझे कुछ कुछ होती, मीत प्लीज, नहीं 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 नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके फाइन ओके फाइन। आई ना तेरे पे ऐसी, ये और करो कुछ कुछ। अच्छा सुन, मेरी वजह से ना अपना मूड मत सड़ा। मन्ने पता है कि तू अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और तू चाहता है कि वो खुश रहे, मैं भी वही चाहती हूँ। चल मैं वादा करती हूँ, आज के बाद से कुछ भी ऐसा ना करूंगी, पक्का प्रॉमिस। अभी कोई बात नहीं, अब आधी रात में ही बात होगी। जब तुम किचन में जाओगी तब, उस वक्त तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे मीत। ओके नाइट। देखो तुमने जो बोला था, जैसा बोला था, मैंने बिल्कुल वैसा किया। मैं यहाँ आ गई और मैंने ब्लाइंड फोल्ड भी लगाया हुआ है और ज्वेलरी भी मेरे पास है। प्लीज मेरे कुनाल को कुछ मत करना। गुड, अब चुपचाप तुम वहीं बैठे रहना और थोड़ी ही देर में वहां एक साधु बाबा आएंगे और उन्हें तुम ज्वेलरी का बैग दे देना। और एक बार वो ज्वेलरी का बैग हम तक पहुंच जाए फिर हम कुनाल को छोड़ देंगे। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, जरा भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना कुनाल की तो जान जाएगी ही, तू भी नहीं बच पाएगी, क्योंकि तू मेरे गन पॉइंट पे है। हेलो हेलो कुनाल। दीप यार, गिल्टी महसूस कर रहा हूं, गलती हो गई है मुझसे। मैंने खुद प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद मानुषी का चैप्टर दोबारा कभी नहीं खुलेगा। और तेरे को मालूम है, मैं खुद ही उसकी तस्वीर निकाल के बैठ गया है। और शायद जो बात तूने मुझे कही थी ना, वो बात सच है। वो किसी और को लाइक करती है। ओ नहीं नहीं वीरे, ऐसा सोचना भी मत। मैं फिरकी ले रहा था बस तेरी। ब्रो तेरी फिरकी ऐसी घूमी कि सारा सच बाहर आ गया। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने रात को खुद
देखा है मीत को किचन में ना अकेले किसी और से बात करते हुए, और जब उससे बात करती है ना तो बड़ी खुश हो जाती है यार। और ये रिश्ता भी उस पर थोपा गया था, तो बस इसीलिए दीप मैंने डिसाइड कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो जिसे लाइक करती है ना, मैं उसे मीत से मिलवा कर ही रहूंगा। मैंने सोच लिया कि इस मामले में मैं मीत का सपोर्ट करूंगा। दीप, आई विल कॉल यू बैक। नहीं यार मीत, गलत मीत। किसने फेंका? कौन है जो मजनू स्टाइल में पत्थर फेंक? आ रही हो मिलने, फोन क्यों नहीं उठा रही? फोन उठाओ। ओह माय गॉड, कहीं भैया को पता ना चल जाए। अलख निरंजन, कहने दो। अरे ये आगे बढ़ाते बढ़ाते रोक क्यों दिया हाथ? अब क्या हो गया बीबी? पहले मेरा हस्बैंड लाओ। पहले कुछ दान दक्षिणा, फिर फल की इच्छा रखो। कहने दो। अब तुम घर जा सकती हो बच्चा। हाँ। तुम्हारा पति वहीं सही सलामत मिलेगा। हाँ। ये लो प्रसाद। प्रसाद? हाँ लो। ये तो भुट्टा जैसा लग रहा है। इसे खाना शुरू कर दो, और जब तक ये खत्म ना हो जाए तब तक तुम यहीं बैठे रहना। ओके बाबा। बाबा क्या मैं पट्टी खोल लूं? हाँ बाबा, बाबा हो गया। और के पप्पा की तरह सवाल जवाब किए चले जा रहे तू? मैंने कह दिया ना, लड़का अच्छा है, मेरी गारंटी है, ठीक है? तू टेंशन ना ले, वो बढ़िया है। और वैसे भी तूने तो कहा था ना कि छोरियों ने अपने दोस्त चुनने का पूरा हक है, जैसे छोरों ने होता है, तो तू टेंशन ना ले। हम यहाँ क्यों आए? देखो मीत है तो छोटे घर से है ना। हाँ? तो उसके सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है। हाँ? भाई के एक्सीडेंट की वजह से वो काम पर जा नहीं पा रही, पैसों की जरूरत उसे है। तो मुझे लगता है मॉम के डायमंड इयररिंग्स पर हाथ साफ उसी ने किया है। वाह बीवी, अब तक ये किसी ने नहीं सोचा, पता है? मैं 100% श्योर हूँ कि उसने यही कहीं छुपाए हैं इयररिंग्स।
मेरा एक बहुत खास दोस्त है, उसकी जुगाड़ है, उसने सब पता रहता है। जो आपके पुश्तैनी इयररिंग्स कोई भी बेचेगा ना, तो उसने पता चल जाएगा और वो रंगिया तो पकड़ लेगा। नहीं कर सकती, मैं इसे ताई जी को वापस कर देती हूँ, लेकिन कहूंगी क्या? हाँ, कह दूंगी कि ये ना मुझे यहीं कहीं गिरी हुई मिल गई थी, मेरी बस नजर पड़ गई। हाँ ठीक सोचा है तूने। अब जो बात सामने आ गई है तो छुपाने की कोशिश ना करियो। बता मन्ने, यो सब तीन तिगड़म तेरे ते वो छोरे करवा रहे हैं ना? ईसा बता मन्ने, वो छोरे करवा रहे हैं ना तेरे ते? बस मन्ने सच सच बता कि मांजरा के है, पूरी बात बता मन्ने। भाभी वो लोग ना मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं ना कुछ दिनों पहले अपनी एक फ्रेंड की पार्टी में गई थी, जहाँ पर ना उन लड़कों ने मेरी सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई थी। और फिर उन लोगों ने नशे की हालत में कुछ ऐसे पोज में पिक्स क्लिक किए, जिससे कि ऐसा लगे कि मैं उस लड़के के साथ कुछ गलत। भाभी आप समझ रहे हो ना, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। भाभी पता है भाभी, अब वो लड़के ना मेरे पीछे पड़ गए, मेरा ना घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। वो लड़के जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, उसके लिए ना उनको पैसों की जरूरत होती है, और उस पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे ना टारगेट बना रखा है। भाभी वो ना मुझे कभी भी कॉल करते हैं, मैसेज करके बुलाते हैं, और मुझे ना धमकी भी दी हुई है कि अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं देना तो वो मेरी पिक्स को वायरल कर देंगे। भाभी मैं नहीं चाहती थी कि हमारे घर में इस बारे में किसी को भी पता चले, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये इयररिंग्स को ना बेच देती हूँ, और इन्हें बेच के जो भी पैसे मिलेंगे उसे मैं उन्हें देखकर ना अपना पीछा छुड़वा लूंगी। भाभी ईसा तन्ने यो बात सबसे पहले अपने मम्मी पापा ने बतानी चाहिए थी। क्या बताती भाभी? हाँ ये बताती कि मैं पार्टी करने गई थी फ्रेंड्स के साथ, और फिर वहां पर ये सब हुआ, जिसकी वजह से वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। हाँ आपको पता है क्या होता, मेरा ना लाइफ टाइम के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता, एक्चुअली बंद हो जाता। और अगर दूसरों की गलती के लिए सबने मुझ पर शक किया होता तो भाभी मैं क्या करती, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए पर इस मुश्किल से भागने के लिए तू यो जो गलत रास्ता अपनाने जा रही थी, उसका भुगतान तेरी ताई जी ने करना पड़ता। I'm so sorry भाभी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तू अपनी इस टेंशन ने गोली मार और तू चिल कर। उन छोरों ने ना 5 बजे का टाइम दे दे मिलने बोला, और बोल पैसों का इंतजाम हो गया। पर भाभी वो मैंने कहा ना तेरा हेडेक ना ही हो, बुला उन्हें। मैं तू बस मन ने उनके नाम बता, बाकी सब मैं संभाल लूंगी।
अंकल जी, जो ये चोरे गुंडे बदमाश होते ना तो मैं यहाँ पुलिस ने लेकर आती, पर क्योंकि ये अच्छे घर के आप जैसे भले लोगों के बच्चे हैं इसलिए मैंने आपने बताया है। छोरे हैं इसलिए आपने सोचा ही ना होगा कि यो कोई गलती कर सकते हैं। किसी ने सोचा ही ना होगा कि इन्हें बैठ के समझाया जाए, इन पे नजर रखी जाए, और ऐसे छोरे समझते हैं कि इन्हें कुछ भी करने की आजादी है। अरे आजादी ना छोरे छोरियों दोनों को बराबर की मिलनी चाहिए, और अपने ऐसे कितने कम परिवार है जो छोरे छोरियों में कोई फर्क ना करते, उन्हें परमिशन देते हैं कि अपने दोस्तों के साथ उठे बैठे, और तुम जैसे छोरे समझते हो कि तुम्हारे पास तो लाइसेंस है उन्हें छेड़ने का। तुम लोग जितनी इज्जत अपनी माँ बहन की करते हो ना, उतनी इज्जत तुम्हें हर छोरी की करनी चाहिए। अंकल जी, इन्हें सुधारने की सबसे पहले जिम्मेदारी आप ही की है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ऐसी घटिया हरकत करते हुए। बेटा, इन लड़कों की वजह से जो तुम्हें तकलीफ हुई है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं, और तुम्हें परमिशन देता हूं कि तुम अपने हाथों से वो सारे फोटोग्राफ्स, रिकॉर्ड्स और एविडेंस सब मिटा दो। और बेटा, अबे तेरी तो। अंकल जी आप ठीक है? हाँ बेटा। ले सुनना, क्या लगा? मैं नहीं खाऊंगा, तू खा। चाहते हो कि तुम्हारी हरकतों की हिस्ट्री पुलिस तक ना पहुंचे तो एक कदम आगे ना बढ़ा। ईसा कर सब डिलीट, और तू चश्मे चल लैपटॉप में से फोटो डिलीट कर, और जो ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना तो देख लियो। जल्दी ईसा, अब जाके इन सब के इतनी जोर से थप्पड़ लगा कि इन्हें समझ आए इनकी वजह से तन्ने कितनी तकलीफ हुई है, और आगे तो ऐसा करने का कभी सोचे भी ना। इतनी जोर से मार की थप्पड़ की गूंज ना हर उस आवारा छोरे तक पहुंचे जिन लड़कियों की इज्जत करना ना आती।
अंकल जी, इन लोगों ने देख के साफ पता चल रहा है कि ये बाबू के हाथ में ना आएंगे। इन्हें ना पुलिस के हवाले ही करना पड़ेगा। पुलिस के सोटे खाएंगे, फिर नशा मुक्ति केंद्र में जाएंगे ना, तब अक्कल ठिकाने आएगी इनकी। मैं पुलिस ने फोन कर कराती हूँ। लोकेशन भेज रही हूँ, आप आ जाइए। क्योंकि हमारी बात हो ही रही है तो इसे एक बार वंस एंड फॉर ऑल पूछ लीजिए कि क्या इसे हमारी फैमिली की रस्मों में कोई इंटरेस्ट है या नहीं है, क्योंकि इतनी एफर्ट्स डालते हैं हम इन रस्मों को लेकर, अगर इसे कोई अटैचमेंट ही नहीं है उनसे तो फायदा क्या है। मासूम दी, प्लीज, इससे पहले कि आप भाभी को और डांट लगाएं, आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग। मनीषा ने रोकना होगा, गरीसा वाली बात सबने पता चल गई तो न जाने क्या होगा। छोटी भाभी के यहाँ लेट आने में या उनका चूड़ा टूटने में उनकी कोई फॉल्ट नहीं। ईसा, नो भाभी प्लीज, ये सब एक्चुअली मेरी वजह से हो रहा है। वाव, तो अब बच्चों की फौज खड़ी की है इसने अपने डिफेंस में। हाँ, एक्सेलेंट। मासूम दी, पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। नो भाभी, अब मैं और चुप नहीं रहूंगी, सबको पूरा हक है सच जानने का। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और उसके बदले मैं आपके साथ ये सब होते हुए मैं नहीं देख सकती। भाभी प्लीज लेट मी स्पीक। तो सच ये है, कुछ दिनों पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में गई, वहां पर कुछ लड़कों ने धोखे से मेरी सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ मिला दिया और फिर मेरे साथ कुछ गलत पिक्चर्स। और वो लोग उसे लेकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। आपका फोन रूम में बार बार बज रहा था, हाँ तो इसे यहाँ पे लाने की क्या जरूरत थी। गलती मीत भाभी की नहीं है, आप लोग प्लीज उन्हें मत डांटिए, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। निशा, लोग सही कहते हैं, लड़कियों को ज्यादा छूट देनी नहीं चाहिए। राम, कैसी बातें कर रहा है तू? ये तरीका इस बात को हैंडल करने का? राजीव चुप कर। बड़े दिल वाले अंकल जी, चाचा जी, ईसा ने कुछ गलत ना किया, उसने आप लोगों का कोई भरोसा ना तोड़ा। गलती तो उन लोगों की थी जिन्होंने इसके साथ ऐसा किया। मैं मानती हूँ कि ईसा ते एक चूक जरूर हुई है, इसने हमें बताने में बहुत देर कर दी। पहले बता देती तो इतना सब ना झेलना पड़ता। पर कैसे बताती, दुनिया ने रीत बना रखी है कि कहीं भी कुछ भी गलत हो तो पहले लड़कियों में खोट ढूंढा जाता है। जैसे अभी ईसा के साथ हुआ,
आपने इसी को गलत माना है, किसी ने स्नेहा समझा और इसी के कारण लड़कियों की गलती ना होते हुए भी वो चुप रहती है और न जाने कितने जुर्म सहती रहती है। वो चुप्पी साध लेती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके घर वाले उन्हीं को मुजरिम समझेंगे और उसी चुप्पी का फायदा उठाकर उनके जैसे छोरे ऐसे ब्लैकमेलर्स लड़कियों ने अपने जाल में फंसा लेते हैं। इशी बेटा रोना नहीं, जब जब तूने इस भाई के हाथ पर राखी बांधी ना, तेरे भाई ने वादा किया कि वो हमेशा तुझे सुरक्षित रखेगा, तेरा ख्याल रखेगा, कभी कोई आंच तुझ तक पहुंचने नहीं देगा। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट वादा करना तो रह गया, ट्रस्ट का वादा। ना वो ट्रस्ट कभी जीत पाए, ना कभी ऐसा कुछ किया कि तू पूरी तरह हम पर ट्रस्ट कर सके। कभी नहीं सोचा कि अपनी बहनों को सेल्फ डिफेंस के बारे में समझाया जाए, आत्म सुरक्षा की कोचिंग दिलवाई जाए। नहीं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, भाई है। भाई बन जाता है बॉडीगार्ड और बहन की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उनकी सारे हक, उनकी सारी आजादी छीन ली जाती है। आजादी तो उनसे छीननी चाहिए ना जो लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट करते। बेटा हम इसे चुप हो गए, हमने तुझे सब कुछ दिया लेकिन सबसे जरूरी चीज तो देनी ही भूल गए, भरोसा। वो भरोसा जहां तुझे लगे कि तेरा एक परिवार है तेरे साथ, जो हमेशा तेरे साथ खड़ा रहेगा। वो भरोसा जहां तुझे लगे कि तू अपने दिल की बात अपने परिवार से कभी भी आकर कह सकती है। वो भरोसा जहां तुझे लगे कि तू अपनी प्रॉब्लम्स में कभी अकेली नहीं है, तेरा परिवार हमेशा तेरे साथ खड़ा रहेगा। वो भरोसा देने में चूक गए हम। इसलिए मैं अपनी तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से तुझसे माफी चाहता हूं। सॉरी। और प्लीज आज के बाद ना कभी अपने आप को अकेला मत समझना। हाँ, तेरे मन में कोई भी बात हो, कोई भी दिक्कत से गुजरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम सब तेरे साथ खड़े। कभी अपने आप को अकेला मत समझना। चल, रोना नहीं। थैंक यू भाई। रात में क्या सर्कस कर रहा है?
चैतन्य अभी भी शक है? तू मेरा टेस्ट ले रहा था? ये टेस्ट तुम्हारे लिए नहीं थी, मेरे लिए थी। पता है मीत, मुझे लगा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया है। ऐसा लगा शायद तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। तो अचानक से ना मेरे दिमाग में मानुषी का ख्याल आया था। और वो इसलिए क्योंकि इस घर में मैंने मानुषी के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। अपने कमरे में मैंने घंटों मानुषी के साथ फोन पर बातें की हैं। वो यादें, वो मेमोरीज मुझे तकलीफ पहुंचाती हैं। मैं जब इस घर से बाहर निकलता हूं ना, उसके साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा, हर एक वो जगह मुझे तकलीफ पहुंचाती है अमित। तो फिर मैंने सोचा शायद थोड़ी देर के लिए ही सही, थोड़े वक्त के लिए ही सही, तुम्हारे साथ कहीं दूर चला जाता हूं और वहां जाकर हम अपनी मेमोरीज बनाए, तुम्हारी और मेरी मेमोरीज। वहां जाकर तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या चीज खुशी पहुंचाती है, हमें समझने की कोशिश करूंगा मैं। और वहां से इतनी सारी यादें, इतनी सारी मेमोरीज बटोर के आऊंगा कि जब यहां वापस लौटूंगा ना, वो मुझे मानुषी की याद नहीं आएगी। इसलिए मैं तुम्हारे साथ बाहर ट्रिप पर जाना चाहता हूं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी उस ट्रिप पे मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो आई अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। ये हमारी राजस्थान की टिकट्स हैं। ये टिकट्स हैं, तुम इसे कैंसिल कर सकती हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। लो। तुमने कर दी जे? तुमने टिकट कैंसिल कर दी? तुमने सच में कैंसिल कर? अब बाहर जाना है तो सवेरे उठ के पैकिंग तो करनी पड़ेगी ना, इसलिए अलार्म लगा दी थी। हाँ तो तुम सीधा सीधा बता नहीं सकती, हार्ट अटैक देना जरूरी है? आओ बेबी, हम वहां चलते हैं, तब तक ये ठीक करता है। कुणाल, तुम कितने एक्साइटेड थे ना मुझे अपने घर ले जाने के लिए। इस कार को भी ना अभी खराब होना था, इस कार की वजह से तुम्हारा मूड खराब हो गया ना। बट बेबी डोंट वरी, ये ड्राइवर ठीक कर रहा है ना, बस ये गाड़ी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। बस कुछ ही देर की बात है, उसके बाद हम दोनों रिच, कंफर्टेबल और कोजी लाइफ में एंटर कर जाएंगे और उसे एंजॉय करेंगे। हाँ, ऐसी थर्ड क्लास और चीजी लाइफ का टाइम खत्म होने वाला है। अब मैं तेरे जैसी लोमड़ी के साथ लाइफ का एक पल ना जीलूं? एंजॉय करना तो बहुत दूर की बात है,
बस कुछ देर और फिर तेरी बर्बाद दुनिया तेरी आंखों के सामने होगी। यो देख, तन्ने नमक पारे और गुड़ पारे बहुत पसंद है ना, तो यो नमक पारे हैं और इस समय गुड़ पारे हैं, ठीक है? और तन्ने मेथी के पराठे बहुत पसंद है ना, यो देख एकदम घर के बने घी से बना के लाई हूँ। खुशबू खुशबू ले, खाना अच्छे से है। और हाँ, आम का अचार शुद्ध सरसों के तेल का बना है, तन्ने बहुत पसंद है ना। ए छोरी, मैं तो तीरथ के अलावा और कहीं गई ना, लेकिन सुना है कि होटलों में बहुत बेकार खाना मिला है, बेस्वाद फीका, लेकिन ये अचार स्वाद बढ़ा देगा। दमाजी को भी खिला देना है। राम लखन से सब इसमें पैक करवा दिया अलग अलग सामान, और नाम भी लिखवा दिया है, भूलना ना अच्छे से खाना। हाँ दादी ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ कि मैं ना तेरी भी टिकट करवा देती हूँ, तू भी मेरे साथ ही चल। सेनोरिटा, हे बाबरी, कुछ भी बोले, अरे मैं तेरे संग जाऊंगी। दामाजी क्या सोचेंगे, समझा इसे? क्या सोचेगा, कुछ ना सोचेगा, हम दोनों ना एक कमरे में रुक जाएंगे और तोड़ो राम के लिए दूसरा कमरा कर देंगे। हे अनुभा, समझा इसने कितनी बार समझाया, दामाजी का ना मजाक बना ले। नमस्ते अनुभा आंटी। नमस्ते दादी। खुश रहो खुश रहो। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए और इतना सामान भी लाए। अमित के लिए आप भी चखना है। अरे समदन जी, दादी जी नमस्ते। नमस्ते जी, प्लीज बैठिए ना। हाँ जी हाँ जी। आंटी जी नमस्ते। जीती रहो बेटा। दादी जी नमस्ते। जीती रहो बेटा, जीती रहो। मीत बहू के माता जी और दादी जी, ये लीजिए एकदम फ्रेश जूस। हाँ जी शुक्रिया। और उन्हें रोकने के लिए हमें किसी न किसी को बुरी तरह से चोट पहुंचानी होगी। अब हमें देखना यह है कि उसकी मॉम और दादी में से किसका बैड लक होता है। कुछ बात ना है, कोई ना कोई ना, जूस ही तो है, साफ हो जाएगा। कोई कोई बात ना मासूम दी, चल मैं दादी तन्ने वॉशरूम ले चलती हूँ। अच्छा अच्छा, आ मेरे साथ। मीत बहू जरा दो मिनट के लिए आना तो। मीत, तेरी सास तन्ने बुला रही है, मैं अम्मा जी ने संभाल लूंगी, तू जा। पक्का? हाँ जा। आइए अम्मा जी, ले चलो। आंटी जी आप बैठिए, मैं दादी जी को लेकर जाती हूँ। अच्छा अच्छा, अब आएगा मजा जब वॉशरूम पहुंचने से पहले दादी साबुन के पानी में ऐसा फिसलेगी कि सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। और कितना टाइम लगेगा? वो बेबी ड्राइवर कह रहा है कि गाड़ी को टो करके मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम यहीं कहीं किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, तो तुम कुछ खा लो। और हाँ, तुम जहाँ भी हो मुझे वहाँ का लोकेशन सेंड कर देना, मैं गाड़ी ठीक करा के तुम्हें वहीं से पिकअप कर लूंगा। ओके बेबी? और हाँ बेबी, ये अपना बैग तुम अपने पास रखो। क्यों? लेकिन बेबी इसमें ज्वेलरी है ना, तुम अपने साथ सेफ रख पाओगी। गुड आइडिया। ऑटो ऑटो बेबी तुम चलो, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है बेबी, प्लीज कोशिश करना कि तुम जल्दी आ पाओ। हाँ बेबी तुम चलो, मैं आया। बैग रखवा दो, मैं बैठती हूँ। चलिए भैया। ओके बेबी बाय बाय। ये गाड़ी खराब करने का ड्रामा मेरी मेरी ज्वेलरी लेने के लिए किया था। तुम पे कितना भरोसा किया? हाथी वो सही कह रही थी, वो
कि तुम मेरे लिए सही लड़के नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं हूँ तो क्या तुम मेरे लिए सही लड़की हो? मुझे कुछ कहने से पहले अपनी गिरेबान में झांक के देखो मानुष उठा। एक नंबर की झूठी मकारा फरेबी लड़की हो तुम। और तुमने मुझे इसीलिए नहीं चुना क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार है। तुमने मीत अलाउद का रिश्ता ठुकरा कर मुझे चुना क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं मीत से ज्यादा अमीर हूँ। लालची लड़की हो तुम, लालची। तुम्हें किसी से प्यार नहीं है, तुम्हें किसी से प्यार हो ही नहीं सकता, तुम्हें सिर्फ पैसों से प्यार है। तो सुनो मानुषी हुड्डा, मुझे भी सिर्फ पैसा ही प्यारा है और मुझे लगा कि तुम एक अमीर लड़की हो इसीलिए तुम्हें पटाने के लिए मैंने अपनी जी जान लगा दी। लेकिन तुम तो एक नंबर की फटीचर और कंगाल निकली। लेकिन अब बहुत हुआ, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी नरक बन गई। अब मैं तुम्हारी इन ज्वेलरी को बेचकर अपने सारी नुकसान की भरपाई करूंगा। और तुम तो एक अमीर खानदान की लड़की हो ना, तो तुम मेरी इतनी सी ज्वेलरी बेच के क्या कर पाओगे? अरे अकल की अंधी, अगर मैं एक अमीर और ऊंचे खानदान से होता तो तुम्हारी असलियत पता चलने के बाद मैं तुम्हारी जैसी कंगाल लड़की के साथ क्यों रहता? मैं कोई अमीर लड़का नहीं हूँ बेबी। यू लायर, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मानुषी हुड्डा से शादी करके उसको धोखा देने की सजा क्या होती है। I will spare you, Kunal. I will spare you. सजा तो तब दोगी ना जब तुम शादी प्रूव कर पाओगी। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास हमारी शादी का? शादी तब शादी मानी जाती है जब वो रजिस्टर्ड हो। इस झूठी शादी को कौन मानेगा मन्नू, कौन मानेगा? तेरे और पार्थ की शादी का सर्टिफिकेट बनाकर भेज रही हूँ, संभाल कर रखना। मैरिज सर्टिफिकेट है मेरे पास, उससे तो मानेंगे ना? मेरे पास हमारी शादी का प्रूफ है। मैरिज सर्टिफिकेट? और उसमें क्या लिखा है? मानुषी वेड्स पार्थ। लेकिन मैं तो कुणाल हूँ, तो पार्थ कौन है? अरे जा 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 जा, किसी पार्थ पे केस करो, जाओ, खड़ी क्यों हो? बेचारी मानुषी फंस गई, फंस गई। और इसीलिए तो तुम्हारी दादी को मैंने फोटो लेने से मना कर दिया था। अब आया समझ में? और वो पंडित बेचारा तो अब मुंह नहीं खोलने वाला क्योंकि उसका मुंह मैंने पहले ही नोटों से भर दिया है। मतलब जिस दिन से तुम मुझे मिले हो उस दिन से तुम बस मुझे धोखा देते आए हो। धोखे की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती मनु बेबी। जो लड़की अपने घर वालों की नहीं हुई वो किसी और की क्या होगी? तुमने अपनी सगी माँ दादी को नहीं छोड़ा, उनसे झूठ बोलती हो। जिस बहन ने तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा किया उसी को तुमने धोखा दे दिया और तुम धोखे की बात करती हो। अरे फालतू बिल्ली भी सात घर छोड़कर दूध पे हाथ मारती है, लेकिन तुमने तो अपने ही घर में डाका डाल दिया अपनी माँ से ये ज्वेलरी छीन कर। लेकिन अब जो तुम्हें सबक मिलेगा ना उसे तुम जिंदगी भर याद रखोगी। गई तो बड़े घमंड और धाट के साथ थी, कह रही थी बड़ा घर ऊंचे खानदान, हम तो गरीब है लालची है। फिर इतने लौट के क्यों आई वापस? राम लखन बता रहे थे, दरवाजे पे खड़ी थी, पूछने पर कुछ ना बोली, सरपट निकल ली। एक बात समझ ना आ रहा अम्मा जी, कायदे से तो पार्थ और उसके परिवार के साथ सासरे में होना चाहिए था उसे, फिर इतने क्यों आई वो? यो छोरी ना अम्मा जी हाथ से निकल चुकी है, अब तो मने डर लग रहा है कहीं फिर ते कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे। निपट ली, इब मेरी सुन,
शास्त्रों में लिखा है कि पूत के पांव पालने में दिख जावे, लेकिन यो छोरी मनुसी इसने ब्याह के बाद जो रंग रूप दिखाया ना, सपने में भी ना सोच सकी। खैर, उसकी चिंता में खून जलाने की जरूरत ना है, ये तो माता रानी की कृपा है। हमारी मीत लाड़ो दामाद जी के साथ इस सब तमाशे से दूर राजस्थान घूमने चली गई। इब बचा कौन? तू और मैं। इब वो मानसी गलती से भी ना इत आई ना तो मेरा रूप देखेगी, मारा अंधा लाड़ प्यार देखा है, अब दादी से सामना होगा उसका। क्यों सब छोड़ अम्मा जी, खाना खा ले। दद्दी, दद्दी, और अंकल जी। इब क्या हो गया? अब आप दोनों भी अपना सामान जल्दी से पैक कर लीजिए। किस लिए? क्योंकि हमारी मीत उस्ताद ने आप दोनों के लिए तीर्थ यात्रा की तैयारी की है। अपने मोहल्ले वाले भी जा रहे हैं। और यो रही टिकट, यो रही। हे माता रानी, एक यो छोरी है हमारी, इतनी दूर जाके भी हम दोनों की फिक्र करे, ख्याल रखे। हे माता रानी, मारी लाड़ो जहां भी हो खुश रहे। कोई गलत कमरे में आ गए। मैं हूँ आपका मैनेजर, एंड वेलकम वेलकम टू योर हनीमून स्वीट। ये इस रिसोर्ट का सबसे बेस्ट स्वीट है, सुपर्ब है कि नहीं? और आपसे पहले सबसे फेमस एक्ट्रेस स्नेहा कपूर अपना हनीमून यहीं मना कर गई थी, और यहाँ से जाते ही अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज इंडिया में अनाउंस कर दी। सो पॉइंट इज दिस कि इस रूम ने इतने हनीमून देखे हैं कि एक एक कोना रोमांस से भरा हुआ है, फुल ऑफ रोमांस। मिस्टर अहलावत, कैन यू फील इट? हम थोड़ी दूर से आए हैं तो आई एम सॉरी। आप लोग दूर से आए हैं, थक भी गए होंगे, और फिर प्राइवेसी, आई फील इट। सॉरी सर, सॉरी मैम, आई एम वेरी सॉरी। वो मैं। ये लीजिए, वेलकम बुके, हैप्पी हनीमून। लीजिए मैडम। और हाँ, ये लीजिए आपके रूम की की। और सुनिए, ये रूम साउंड प्रूफ है। और हाँ, एक चीज और, ये टीवी का रिमोट, ये मूड फ्रेश करने से लेकर मूड बनाने तक सब काम करता है। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। बाय। पानी
अच्छा किया तुमने टीवी बंद कर दिया। अच्छा है कि मैनेजर अच्छा है ना। मैं सोच रही थी कि मैं ना नहाने चली जाती हूँ। हाँ मैं भी जिम देख लेता हूँ। हाँ वो बाथरूम अंदर जिम। अरे वाह छोटे, क्या बात है छोटे, ऐसे मार्केटिंग करेगा ना तो तुझे तेरे कारोबार में कभी नुकसान नहीं होने वाला। मेरी बहन मीत यहीं कहीं है पर नजर क्यों नहीं आ रही है। आप अपनी महबूबा के लिए भी ले लो ना फूल। कितने का? 20 का एक। 20 का एक ठीक है। अगर मैं अभी मीत अलावत के सामने आ गई तो आई एम डैम श्योर ये अपने घुटनों पे जाके ये फ्लावर्स मुझे ही देगा। आखिर उसके दिल पे राज करने वाली मलिका तो मैं ही हूं, मेरी बहन मीत नहीं। मीत मैंने अभी मानुषी की आवाज सुनी। करती है ना वो इतना कहीं मिली ना रही है। डिजाइन ही करवानी पड़ेगी। समझ ही ना आ रहा है के पहनूं, मेरे कपड़े तो बच्चे ही ना है। कोई बताना के पहनूं, तू समझ ही ना आ रहा मन्ने। तो पहन लो ना कुछ भी, क्या इशू है पहन लो। I'm sorry. मुझे ना बेचैनी इसी लग रही है, यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, प्लीज प्लीज चलो चलो।
सुनैना, चाय उबल रही थी, क्या हुआ? डर आ रहा है चाची जी। क्यों ऐसे अचानक? कुछ काम था? आप लोग जानते हैं ना चाची जी कि उनके यहाँ आने की वजह क्या है। चाची जी मुझे ना आपकी मदद चाहिए। बोल ना, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ ना, बोल। चाची जी आप ना उन्हें फोन कीजिए और उन्हें कह दीजिए कि मैं ना किसी योगा टूर पे चली गई हूँ, या बोली कि मैं किसी और शहर चली गई, या मैं हुई नहीं। आप कुछ भी कीजिए लेकिन उन्हें यहाँ आने से रोकिए। मेरी बात सुनो, मैं एक पिता से नहीं कह सकती कि वो अपनी बेटी से ना मिले, वो यहाँ ना आए। मैं झूठ नहीं बोल सकती। आपको मेरी कसम चाची जी, आपको मेरी कसम। मीत पिकअप। तो ये फोन ना उठाने वाली बात पे ना मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैसेज करता हूं। मीत अलावत अब शुरू होने जा रही है तुम्हारी और मेरी प्यार भरी कहानी। मीत, मैडम आप शायद किसी गलत बोर्ड पर चढ़ गई हैं। तुम्हारी मानुषी। ये लो दीदी, दवाई और पट्टी ले आया। बढ़िया भाया। आराम से। अब जाके मैं सही बूथ पे बैठी हूँ। भाई साहब वापस लीजिए, वोट वापस लीजिए। नहीं रुक, मीत मेरे पास, हटो। मीत प्लीज। मानुषी, बैठो, सेट। एक गलती की वजह से सब कुछ गलत हो गया मीत, पर बस चुप रहना, मेरी बात सुनना। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो बस मैं उन सारे सवालों का जवाब देने आ गई हूं। तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बस एक बार मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनने के बाद तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। अब मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि तुम ना मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। तुम्हारा ना होना मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। आप वापस लीजिए। सुनो, मैं जानती हूं मैंने तुम्हें छोड़ के बहुत बड़ी गलती की, और मेरी उस गलती की वजह से तुम्हें एक लड़के जैसे दिखने वाली मेरी छोटी बहन से शादी करनी पड़ी, जो
जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, और पसंद होगी भी कैसे, अजीब सा हुलिया बना के घूमती है, नो मेकअप नो काजल, बाल देखे उसके, गुंडा जैसा लुक बना के घूमती है। बट एनीवे, मैं जानती हूँ तुम्हारी चाहत मैं हूँ, तुम मुझे चाहते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, अपनी मानुषी से, अपनी मूनशाइन से, तुम्हारी मूनशाइन। मीत, तुम जानना चाहते हो ना कि मैं शादी के मंडप से क्यों गई, मैंने तुम्हें क्यों धोखा दिया, तो उसकी वजह है मीत हुडा। अरे आप जानती है इसे, कोई रिश्ता है इनसे, मतलब आपके सगे वाले हैं। किसी की मदद करने के लिए खून का रिश्ता होना जरूरी ना है, खून के रिश्ते तो फिर भी कभी कभी धोखा दे देते हैं। ये इंसानियत का रिश्ता है, इंसानियत के रिश्ते ना कभी फेल ना होने देते, इनते आज ही मेरा इंसानियत का रिश्ता बना है। तुम कहाँ हो तेज, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर वापस आ जाओगे तेज। मैं ले लेती हूँ, आइए बाबा। ले ले। वेलकम मिस्टर एंड मिसेज अहलावत। तुम ना मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती, तुम्हारा होना तुम्हारा ना होना मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। इनफ, मीत के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगा। मीत अहलावत, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे चुप करा दिया ताकि मैं मीत हुडा के बारे में कुछ ना बोलूं। इतनी करीब हो गई वो तुम्हारे, इसका मतलब मेरी बदसूरत बहन ने मीत अहलावत के दिल से मेरी जगह हटा के अपनी जगह बना ली। वैसे तू तो बड़ा ठंडा हो रखा है, मन ने तो लगा था कि गुस्से से ना गरम पकोड़ा हो रखा होगा, वो मैं वोटिंग के लिए ना आई ना। क्या हो गया, ये देख रहा है? तो तुमसे एक बात कहनी थी। बोलना। वो बोट, वो बोट पर, वो बोट पर मुझे क्या हुआ? बोट पर छोड़ो, हम बोट की बातें नहीं करेंगे, कुछ और बातें करो। ठीक है, तन्ने पता है मैं ना अभी किसी से मिली, उससे मिलकर ऐसा लगा जैसे जैसे कोई अपना सा है, जैसे बहुत करीबी। मीत, आजकल के जमाने में अपनों में अपनापन नजर नहीं आता, और तुम्हें अजनबियों में अपनापन नजर आ रहा। अपनापन जैसी कोई बात नहीं होती, ये सब सिर्फ ना किस्से कहानियों में होता है, असली जीवन में नहीं होता।
जो पराया होता ना वो पराया होता है, क्योंकि आप उस पर कुछ वक्त के लिए, कुछ देर के लिए भरोसा तो कर लेते, उसके साथ थोड़ी देर के लिए अपना दिल जोड़ बैठते हैं, और फिर हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर ना जलता हुआ सुलगता हुआ छोड़कर चला जाता है। क्या हो गया, इतनी कड़वी बातें क्यों कर रहे, ठंडी सर पे चढ़ गई के, कुछ हुआ है, क्या बात होगी? क्या करूं इसे मानुषी के बारे में बताऊं या नहीं? मीत, तुम्हारे फुटवेयर खरीदने और तुम्हें कपड़े भी चाहिए थे, चलो कपड़े लेंगे। मीत से मानुषी से मिलने की बात क्यों नहीं कर पाया, क्यों रुक गया मैं? ये सच नहीं है, because मैं जानती हूं कि एक बार मानुषी के प्यार का जहर किसी पे चढ़ गया तो वो इतनी आसानी से उतर नहीं सकता, वो किसी और का हो ही नहीं सकता, और मीत हुड्डा मुझे हरा दे, not possible। मीत अलावत पे सिर्फ मेरा हक है, और जो चीज मेरी है उसे मेरे पास होना चाहिए। कहाँ जा रहा है? मन्नू दीदी, यो इतना क्या कर रही है? तेरे तन ऐसा ना है कि मैं तेरे तन नाराज ना हूं। कैसी है तू, तू इतना क्या कर रही है? ये मीत कहां से आ गई, फिर से नाटक करना पड़ेगा। तू तू पार्थ के साथ तय ही है, वो जिससे ब्याह हुआ है तेरा। अरे कहां मिला तन्ने, वो पार्थ कौन है? मन ने तो लगा था कि कुणाल नाम का छोरा दी। शादी नहीं, धोखा हुआ है मेरे साथ। क्या कह रही है तू? वो मुझे छोड़ के चला गया मीत। हम दोनों यहाँ पे हनीमून पे आए हुए थे और उसने मेरी सारी ज्वेलरी चोरी करके वो मुझे छोड़ के चला गया। इतनी बड़ी बात होगी, तूने मम्मी और दादी ने बताया? किस मुंह से बताती मीत, मैं घर छोड़ने से पहले मम्मी दादी के साथ बहुत बदतमीजी से बात करके आई हूँ, शायद उन्हीं की बद्दुआ लगी है मुझे। बेकार की बात है ना, कर माँ बाप की कोई बद्दुआ ना लगती, और माँ बाप कभी ना कोसते अपने बच्चों ने। तू के बोल रही है, तूने पुलिस कंप्लेन की? मेरी लाइफ ऑलरेडी बहुत हेल्थ बन चुकी है, मुझे ये फालतू का झंझट नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। देख ये मेरे किए की सजा है, मुझे ऐसे ही रहने दे। के पगलों जैसी बातें कर रही है तू है? कौन से की एक ही सजा, धोखा उसने दिया है ना तन्ने, सजा उसने मिलनी चाहिए, तू क्यों सफर करेगी?
तू ये फालतू की बातें ना कर, मेरे साथ अभी चल, पुलिस कंप्लेन कराएंगे, चल। मीत छोड़ मीत, मुझे मेरे हाल पे रहने दे मीत, मुझे मेरी सजा भुगतने दे। शायद यही लिखा है मेरी किस्मत में, और देख मैंने मीत अलावत से मिलके भी माफी मांग ली है, शायद उसको उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मीत ते कब मिली तू? आज पोर्ट पे उसने तुझे नहीं बताया? तो मीत ने इसे हमारी मुलाकात के बारे में बताया ही नहीं। ग्रेट, मैं आज मीत से मिली थी और बहुत बातें हुई हमारी, पर आई डोंट नो उसने तुझे क्यों नहीं बताया, और वो बात कोई भूलने वाली भी नहीं थी मीत। मीत, तुम जानना चाहते हो ना कि मैं शादी के मंडप से क्यों गई? तो उसकी वजह है मीत हुडा। आई गेस अब मुझे चलना चाहिए, तू अपना ख्याल रखना हाँ, और मेरी चिंता मत करना, आई विल मैनेज। मिली थी मीत से बोर्ड पर, उसने तुझे बताया नहीं? लीजिए मैम प्लीज। की तरफ से बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है मीत अलावत, कल तुम मानुषी का बदला हुआ अवतार देखोगे, उसके बाद तुम खुद ब खुद पीछे खींचे चले आओगे, बस एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ फिर तुम मेरे ही होके रह जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे सर से अपनी बहन का भूत उतार दूंगी, और फिर उसके बाद तुम्हारे दिल दिमाग और स्वभाव पे बस मानुषी का ही नाम होगा। तो कोई भी ना है,
ऐसा क्यों लगा कि कोई था? सो फ्रेंड्स, दिसंबर की इस गुलाबी गुलाबी ठंड के सीजन में हमारा रिसोर्ट आप सबके लिए एक से एक कमाल के गेम ऑर्गेनाइज करता है। खास बात यह है कि इसमें आपका कंपटीशन आपके पार्टनर के साथ है। तो लेट्स सी कौन ज्यादा स्वीट है, हिंदी में बोले तो कौन ज्यादा मीठा है, कौन ज्यादा मीठी जलेबी खा सकता है। तू ना मेरे तैयार होने के लिए पहले तैयार हो जा। जब हमारे सावाद में ऐसे खाने पीने के खेल होते थे ना, तो उनके मेडल तो मेरी कबर्ड में सजे हुए हैं। और तूने तो यूँ खेला भी ना होगा तो तेरे तो मैं ऐसे जीत जाऊंगी। अच्छा, तो फिर अपने सारे वो मेडल ना मुझे सौंपने की तैयारी कर लो, क्योंकि ये खेल तो तुम हारने वाली। ये खेल मैं बचपन से ना अपने तेजवीर जी के साथ खेलता आया था। उनको तो ये जलेबियां खाने का बड़ा शौक था और उन्हें मैं फिर भी हरा देता था, तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। एक काम करो मेम साहब, ये रुमाल रख, आंसू पूछने के काम जो आ जाए। देख, कॉन्फिडेंस होना ना बड़ी अच्छी बात होती है। जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, वो इंसान ने अपने साथ लेकर गिर जाता है। जो आगे के दांत होते हैं ना, सिपाही की तरह शहीद हो जाते हैं। अच्छा? तो देखते हैं ना फिर कौन जीतेगा कौन हारेगा और किसने पड़ेगी रुमाल की जरूरत। देख लेते। हाँ, देख लेंगे। आज आप लोग भूल जाइए कि आप लोग हनीमून पर आए हैं। पूरा जोर लगा दीजिए अपने पार्टनर्स को हराने में। लेट्स स्टार्ट। वैसे तो ये कंपटीशन कुछ मिनट और चलना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने ऐसी स्पीड से जलेबी खाई कि हमारा तो स्ट्रोक ही खत्म हो गया। सो अब टाइम है विनर चुनने का। आज के हमारे इस कपल के विनर हैं प्रतिभा जी। अगले कपल हैं मीत और मी। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों के कान बिल्कुल सही बज रहे हैं। इस कपल में दोनों का नाम है मीत मीत। तो एक ही नाम के इस कपल के आज के विनर हैं मिस्टर मीत, जो सिर्फ एक जलेबी के मार्जिन से जीते हैं। ज्यादा ना खुश होने की जरूरत नहीं, चीटिंग करके जीता है तू। ओ मैडम, अगर आपने सुना नहीं है तो आपको बता दूं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड दिस इज जलेबी वॉर एंड यू हैव लॉस्ट इट। लगता है तूने भी ना सुना, हार के जीतने वाले कोई बाजीगर कहते हैं और उस हिसाब से तो मैं जीती। ओ अच्छा। यस मिसेस मी, ट्रू सेंस में आप दोनों आज के विजेता है। पति जलेबी खाकर जीता है तो वाइफ उसकी मदद करके जीती है। कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड को तकलीफ में थोड़ी ना देख सकती है। आखिर प्यार और साथ का रिश्ता ही तो पति पत्नी का रिश्ता होता है। इट्स लाइक ए काजू पिस्ता, हेल्दी भी और कीमती भी। जीता कोई भी हो, लेकिन जीत आप दोनों के नाम होती है।